नवजोत जिथे सानू अज लैके जा रहे हैं ना, मैं लगता है डेंजरस पार्ट है। इतो देखो पूरी साढ़े अंडेमान निकोबार का सब तो पहला ट्रैक है, तो पहले ही इन्ना डेंजरस है। यह ट्राइबल एरिए ने इन्हों सरकार छेड़ती नहीं हैगी। इन्हों सरकार होंगे भी जिथे रह रहे ने जिथे खुश ने बस इन्हों रही जान दो। ये जंगल च ना कि रास्ते जाके डिवाइड हो जाते दो दो, फिर योजे लक्कड़ के साइन बोर्ड लगे हुए हैं भी कितने बंदा राह ना भटक जाए, इधर जाना कि इधर जाना। हूँ आप इधर ही चलते हैं, आप जाना इधरले पासे। सामने बोर्ड से देख लो की लिखे है, तो रिजर्व फोरेस्ट एरिया, इस तो अगे सारा जंगली जंगल शुरू हो जाऊगा, तो रात को इस जगह पर एंट्री बैन हो जाती है। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर अंडेमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तो। यह पोर्ट ब्लेयर का मेन बाजार है, तो अज के ब्लॉग असी तुहानू लेके जा रहे हैं कुछ ट्राइबल्स एरिया वल। असल च असी एक टापू पर जा रहे हैं जिहदा नाम हैगा चिड़िया टापू, तो उत्थों उपर एक ट्रैकिंग है, जंगल विचों दी रास्ता है, बहुत सोहना नज़ारा है। तो नाल नाल जिहड़े इत्थों दे ट्राइबल्स एरिए है आपां उन्हां बारे एक्सप्लोर करांगे, गल्लां बातां करांगे। तो अपने नाल अपना दोस्त जिहड़ा तुसीं पिछले ब्लॉग से देखे होना लवजोत, उन्हें भी जाना है। सब तो पहला आप स्कूटी हायर करनी है, उस तो बाद आप चला, क्योंकि इतों जरा चिड़िया टापू है दूर है 35 किलोमीटर का अपना सारा जो सफर रहूगा, तो उसके लिए सब तो बेस्ट है कि तुम अपना परसनल व्हीकल लेके, तो बसेस वगैरह उसे नहीं जाती है, फिर कार लेके जा सकते हो, बट असं स्कूटी प्रेफरेंस देवे, मतलब जिथे सा जी करू असं खड़ सकते। स्कूटी अपन इतों मिल गई जी, थैंक यू सर। तो आप चलिए हम अपने सफर से, इन्होंने हेलमेट देखो यार नवा दिता, तो सर्विस इन्हों की बहुत ज़्यादा वधिया हैगी। देखो जी एक जी जाली जीते से भी दिखाई, इन्हों का है सारो टूर्स एंड ट्रैवल्स, इनू गूगल पर भी पायो, बेस्ट रिव्यूज़ ने पूरे पोर्ट ब्लेयर के, एक कंटैक्ट नंबर ने इन्हों के, तुम इतों कंटैक्ट भी कर सकते हो जो एडवांस च बुकिंग करनी है। तो नाल इन्होंने मतलब थलों की पाउन जिवें शावर कैप होंगी उमें दिती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी इन्हों की दुकान है, यह हैगी अबरदीन बाजार को, रेंटे बाइक सारो टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो सानू जी इन्होंने स्कूटी दी है, दी अच खुशी के पसंद की रेड कलर की स्कूटी है, तो इनू असी लैके चलेंगे। सब तो पहला जी आप पाना तेल गड्डी अपनी च, तो फिर चलेंगे आप टापू तो लेके। पहला ना मैं थोड़ा जहा गलत चला गया सी, असल सच्चाई तो हूँ मेरे सामने आई हैगी। तो हूँ मैं ऐ लगता जे मेरी एक्टिवा डीजल पर होंगी ज़्यादा वधिया नहीं सी, यह देख लो इन्नी लंबी लाइन है तो पोर्ट ब्लेयर तेल पवाने लई, तो मैं ऐ लगता भी अद्धे घंटे बाद तो मेरी बारी आएगी। सर कितना टाइम लगेगा बारी आने में? 15-20 मिनट तो लग जाएगा। शुक्रिया। फ्यूल की तो भावें पेट्रोल भावें डीजल बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि सारा कुछ बाय शिप आ चेन्नई तो। 2000 का डाल दो भाई साहब। नहीं चलेगा क्या? चलो फिर 100-200 का डाल दो। हुण असी शहर तो निकल लगे हाँ, तो अबरदीन बाजार का मेन चौंक हैगा, इतने गांधी जी का बुत लगे हुआ है, ये सब तो मेन अट्रैक्शन है शहर की। ये जाने तो पहला आ खुशी एक कह भी दवाने पे है, क्योंकि ना इतने प्रॉब्लम बहुत आ रहा, जेडे रबड़ के बूट है लगन लग जाते हैं छेती, तो यह कहते नहीं लगनगे नवे ले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जाते जाते मैं क्या थोड़ा पोर्ट ब्लेयर का थोड़ा व्यू दिखा दा, तो यहोजा शहर है पोर्ट ब्लेयर। वैसे अजक आईलैंड है जेडे लगते नहीं भी, ये समुद्री टापू ने देखो कि डिवेलप होया हुआ यार, तो वो तक जो काले पानी वाला टापू है जिथे जट जोने मोड का आप ब्लॉग बनाया से कि कैद सगा, इधरले पास सैलर जेर हैगी, इधरले पास सारा हैवलॉक आईलैंड रह गया जिथे आप पहले जाके आए। देखो कि साफ सुथरा शहर है जोड़ा अपना अज का सफर है, तो अपने नाल करूंगा मुंडा लवजोत, इनू तुम हैलो की हाल है मित्रा, तो इनू तुम पिछले ब्लॉग्स भी देखे होना काफ़ी सारे, अपने अंडेमान च ने बहुत सारा नाल रहे घुमाया फिराया, तो अज भी अपने नाल जा रहे हैं। नाल जे इतों के कबायली लोग है आदिवासी ट्राइबल एरिया उन्होंने बारे इनू ज़्यादा जानकारी है जानकारी देगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। तो बाकी इधरले पास व्यू बहुत घेंट है, तो सामने वाले पास समुद्र है, नाल नाल टापू शुरू हो गया, हुण इहदे विच आपां थोड़ी अगे जाके ट्रैकिंग भी करनी। इस वाले जट की इतने इन्नी चढ़ाई है, देख लो बाई ने भी स्टिकर लाया हुआ है अंडेमान च रेंदे हुए, है कमाल है यार बाई, फैन सी तुसी भी ओदे? बहुत बड़ा फैन। आए हाय हाय हाय, ओदा जट दी सारी दुनिया ते चढ़ाई है यार, आज भी हम फैन है। सही है, टापू ते असी अज जा रहे हैं ना, ते उहनू रास्ता देखो यार किन्ना सोहना लगदा, एक पासे समुंदर है ते दूसरे पासे नाल पहाड़ है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, नाल नाल बीच भी देखण नू मिलदी है, सामने वाले पासे एक बीच भी दिख रही है हुण मैनू, कमाल है यार बहुत सोहना नज़ारा है। ते तुसी भी जे आओगे ना बाय रोड आयो इस टापू नू,
देखो यार किन्ना सोहना व्यू है। तो रास्ते जाते जाते ना थां थां दिल करता भी इत्थे रुक जाइए इत्थे रुक जाइए, पर साढ़े तीन बजे तो बाद एंट्री नहीं देंगे उस टापू लई। तो इस करके जिहड़ा साडा मन हैगा भी रुकण दा कैंसल हो रहा इत्थे। तो नहीं जे तुसीं इधर नूं तुरोंगे ना पोर्ट बलेयर तो टाइम नाल तुरियो, तो रस्ते च बहुत सोहनिया सोहनिया इहो जिहियां जगह होणगियां तां जो तुहानूं इह सारियां थावां छड्डणियां ना पैण, क्योंकि वह फोरैसट रिजर्व एरिया जिथे असी जा रहे हैं। इस करके मतलब 3 बजे तो बाद बैन हो जाता उत्थे जाना। तो टाइम हो गया 2:18, हजे इतों 5 किलोमीटर अगे असी होर जाना गा, तो उत्थे जाके चैक पोस्ट आऊगी, फिर मैं लगता 10 मिनट सानू पहुँचना पऊ, बहुत तेज़ तेज़ जाना पऊ। देखते हैं सानू अगे जाना अलाउ करते कि नहीं करते, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आएगा ना चैक पोस्ट। पूरा जंगल रास्ता है। हाँ? जंगल रास्ता होके हमें आगे जाना है। ठीक है चलो फिर निकले। चलो, जंगल च आ गए, डीप जंगल है साढ़े चारे पासे, कोई ना बंदा ना बंदा, जद कला हैलीकॉप्टर गूंज रहा वो भी हवा च। अगे अगे देखते हैं किवें। ये देखो योजा कुछ इलाका है, तो योजे जंगल ने इत्थे, तो दरख्त बहुत उच्चे उच्चे यार ये टापू के, पता नहीं की गल। तो इन्हां जंगलों च इत्थे देख लो जिहड़े यार इत्थों के ट्राइबल एरिए है, योजी मतलब योजी लाइफ है उन्होंने, इतें सरवाइव करते हो। सारा जंगल का एरिया शुरू हो गया, तो हूँ असं जंग पूरा जंगल क्रॉस करके उपरले पासे चढ़ना है पहाड़ के, तो उतों कुछ आईलैंड दीदे उपरले पासे। तो पूरा रास्ता ना जिमें अपने हिमाचल च हों उत्तराखंड पहाड़ होंगे उमें का रास्ता शुरू हो गया। वैसे देख लो समुद्र किनारे जहाँ टापू के भी एडे एडे पहाड़ है यार, जिथे जंगल है जिथे रोशनी भी नहीं पहुँचती दरख्तों तो, ते किन्ने संघने होणगे। अगे आके इत्थे साढ़े जिहड़े व्हीकल सीगे ओह पार्क हो गए, तो इत्थे एंट्री कराउणी पऊ, असीं एंट्री करा के अगे जंगल च सारा जा सकदे आ। तो इत्थे लग्या होया इहनां दा फोरैसट डिपार्टमेंट दा, तो वैलकम टू मुंडा पहाड़ है। हुण जिहड़ा मुंडा पहाड़ है उहदे उपर चढ़ना गा आपां, इत्थों ट्रैक हैगा, तो देखदे आ किन्ना क लंबा किवें रहिंदा। पार्क तुहाडे इत्थे हो जाणगे सारे व्हीकल, भावें तुसीं इत्थे तक कार ते आयो ते भावें एक्टिवा वगैरह रेंट ते लै के आयो, तो इस तो अगे कुछ भी तुहानू अलाउड नहीं हैगा। तो एंट्री साड़ी होगी, तो हुण असीं गेट तो अंदर जाण लगे हाँ, तो सामने अंदर वड़दे नूं ही अंडेमान निकोबार पुलिस की चैक पोस्ट है, तो सारी इत्थे चैकिंग होंदी है। 4 बजे तो बाद इत्थे अलाउड नहीं हैगा, 4 बजे सानू इंस्ट्रक्शन दित्ती है भी 4 बजे तो बाद तुसीं थल्ले वापस आउणा ही आउणा हैगा। ये ना जिन्ने तुसीं देख रहे हो इधरले पासे, तो सारे इधर समुंदरी टापू ने निक्के निक्के, तो इन्ह चो मैं ऐ लगता यार कई टापू तो अजे भी यहोजे हो गए जे अनएक्सपलोर्ड हो गए है ना, जिन्हें अजे तक कोई गई नहीं हो, जंगल ही पे कि थावें ना राह चाहे पार करना पैंदा, तो कई थावें पुल भी बने हुए लक्कड़ दे, जिमें आ देखो इतने लकड़ी का यह पुल बनाया हुआ। तो तुम देख लो कुदरत नाल इतने इकमिक किया हो सारा कुछ, तो कुद कोई प्लास्टिक नहीं कुछ नहीं। ताइयो यार जेडे ना ये ट्राइबल एरिए ने इन्हों सरकार छेड़ती नहीं हैगी, इन्हों सरकार ए हों भी जिथे रह रहे हैं जिथे खुश ने बस इन्हों रही जान दो। वैसे गवर्नमेंट ने कहें इन्हों डिवेलप करने की ट्राइबल एरिए कोशिश की हैगी कई बार, मतलब भी इन्हों विकसित किया जा सके है ना, पर वो नहीं मानते, उन्हों की अपनी लाइफ। तो एक साड़ी पिछे एंट्री हुई सी, तो हुण इत्थे एक होर एंट्री होनी हैगी, आ विजिटिंग आवर्स लिखा हुआ 10 बजे तो 3 बजे तक ही है सिर्फ, तो 10 मिनट रहिंदे ने 3 बजन च, तो असी अच्छा कंडे लड़ते जंगल का ए हुंदा यार इत्थे बांह छिल दूजे नाल लग गया, हुण असी इत्थों तुर के जाना सारा जंगल के इलाके विचों दी हैं। अच्छा इत्थों उपर जाना यार, जो ट्राइबल एरिया वो भी ऐसे ही जंगलों में रहते है क्या है? वाह यार भाई लवजोत उन्होंने तो फिर लाइफ ही कुछ है ऐसी है। जब तक धूप है तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन बारिश के टाइम उनको भी काफी मुश्किल होता होगा। बारिश में कैसे मुश्किल, मतलब जंगल में प्रॉपरली रहते है ना। हाँ। यार ट्राइबल एरिया कुछ तो मुश्किल होंगे ट्राइबल लोग, खाने पीने का खाने का फिर कहाँ से खाते है, मच्छी मुच्छी खाते होंगे है ना, मच्छी वगैरह उनको ज्यादा नहीं है। अच्छा यहाँ में आइलैंड ज्यादा बड़े बड़े नहीं है और उनको खाने के लिए उतना कुछ मिलता नहीं है। हाँ जिथों की ना अज असी लंघे जा रहे हैं, तो सारा जंगल का रास्ता है, आले दुआले साढ़े संघना जंगल है,
ते हेठां तो देखो जड़ां ने दरख्तां दीआं जड़ां रस्ते ते आईआं होईआं ने। सानूं ते कमेंट आया सीगा ते मैं हाजर रिप्लाई दे रहा बई दा ते कहिंदा बई नॉर्थ सेंटीनल ते जाके आयो ते मैं कहा भरावा असीं तैनूं जिउंदे सोहणे नहीं लगदे। पिछे जे उन्हां ने इक यूएस सिटीजन मारता सीगा 2018 च आई थिंक, नाले उहने साइन वी कीता सीगा कि मैं खाली हत्था मेरे कोले कुछ वी नहीं। हां नाले उहने हत्थ खड़े कर ले सी दूरों कि मैं खाली हत्था। वैसे ना सेंटीनल जिहड़े ट्राइबल एज हैगे ने सेंटीनल जिहड़ा आईलैंड है उत्ते जाणा ही बैन हैगा गवर्नमेंट वल्लों सारा, पर उह किसे नूं रिश्वत दे के मतलब 50 बोट वाले नूं लै गए सी उह किसे नूं रिश्वत दे के ना 50,000 रुपया दे के ते बोट वाले नूं नाल लै के चल गया सीगा ते उन्होंने उत्तर नवीन दिता उत्थे आईलैंड ते मतलब तीरां नाल ही मारता दूरों जिहड़े आदिवासी ना इहे जे ते असीं बई उन्हां एरिया च वैसे जाणे नहीं चाहुंदे। जे तुहानूं गल करन दी दस्सां मैं सही, वैसे भी ना उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत बार कंटैक्ट करने की कोशिश की है पर वह हमेशा ही अटैक कर देंगे। पहले जो अंडेमान निकोबार है ना पूरा इस आदिवासी अज भी बहुत रहते हैं तो अलग अलग इन्हों कम्यूनिटीज़ होंगे तो लवजोत को पता होगा शायद कुछ मैं सुने भी अफ्रीकन ने मतलब अफ्रीका के जोड़े ट्राइबल एरिया अज भी उन्होंने सिमिलर ने ना जोड़े दूसरे ट्राइब ने वो इंडोनेशियन की तरह ने जिमें इंडोनेशिया रेंदे ना तो। अच्छा लवजोत यहाँ कितने ट्राइब्स रहते हैं? यहाँ में 6 टाइप्स है जैसे कि ग्रेट निकोबार जो बोला जाता है उसमें एक ट्राइब है एक निकोबार। हाँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो अंडमान एंड जो निकोबार आइलैंड है। हाँ। निकोबार आइलैंड की साइड 2 ट्राइब्स रहते हैं। हाँ। जो अंडमान आइलैंड्स में 4 ट्राइब्स रहते हैं। हाँ। एक का नाम है जरवा जो अंडमान आइलैंड्स में पाया जाता है। हाँ। और ग्रेट अंडामानीज ओंगिस। हाँ। और सेंटिनल्स। हाँ। और इनको देखा इनको पहचानने का तरीका यही है कि इन जो ये जो लोग हैं इनका स्किन वगैरह डार्क रहेगा डार्क ब्लैक वगैरह। जो निकोबार ट्राइब्स है वो दो ट्राइब्स है एक निकोबारिस एक सोम्पियंस। हाँ। ये जो आके इनको पहचानने का ये है इनका स्किन थोड़ा गोरा रहेगा ये दिखने जैसे जो इंडोनेशिया के ट्राइबल्स हैं वो भी गोरे हैं ना थोड़े से वहाँ से बिलोंग करते हैं आपको समझ में आ जाए वो मतलब जैसे निकोबार है वो साउथ में पड़ता है वो सिमिलर ट्राइब्स है। ओके ते ए भाई कहानी आए हैं जिमे जेड़े जेड़ा निकोबार है वो तो निकोबार यहाँ से कितने दूर होगा? 2-3 दिन लग जाते हैं ना अभी के हिसाब से 12 घंटा। हाँ 12 घंटा लगता है जी। और पुराने टाइम में हमारे आइलैंड तक जाने के लिए ग्रेट निकोबार 3-4 दिन लगता था। ते पुराने टाइम च 3-4 दिन लगते सी ओ क्योंकि उत्थों इंडोनेशिया नेड़े रह जांदा है नेड़े रहन करके तां करके सिमिलर ट्राइबल ने अपने आले पासे जो सेंटिनल है वो अफ्रीकन्स है उनका अभी तक कहा नहीं जा सकता वो क्या है। अच्छा उनके उनके साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ? नहीं कॉन्टेक्ट नहीं कॉन्टेक्ट वगैरह बहुत हुआ है मतलब करने की कोशिश करे लेकिन वो ऐसी कि जब वहाँ से प्लेन भी पार होता है तो वहाँ से तीर मारते हैं। हो थोड़ी दूर यार रास्ता इतने इन्ना ज्यादा खराब है ना ते चिक्कड़ है जितों की असं जा रहे हैं जे मीह पैंदा होगा बारिश होंदे तो तुसीं इत्थे जमी नहीं हो ते क्योंकि यार बहुत चिक्कड़ होगा। अज नाले धुप निकली हुई सी पूरी वधिया सारा दिन ते तुसीं देखो तां वी एवें दा होया पिया है क्योंकि यह सारा जंगल है ना जंगल होने करके मतलब कई बार तो इत्थे धुप भी नहीं आउंदी सारा सारा दिन जां जिवें तुहानूं पहलां से कई जगह इतने यो जी हो जिन्हों सारा मतलब साल साल ऐ नहीं पता चानण ना हों हो जंगल आए एरिए चो लंघ के हूँ थोड़ा जा चानण जहा शुरू हो इधरले पासे सानू समुंदर देखना शुरू हो गया तो हूँ हौसला जहा है भी कित चानण जा के सी क्या बोल रहे थे लवजोत आप सेंटिनल जो सेंटिनल्स का हाइट वगैरह हमें जहाँ तक हमें पता चला है वो उसका 6 फीट के आसपास होते हैं जो यहाँ में जितने ट्राइब्स है सबसे ज्यादा लंबे होते हैं सबसे ज्यादा लंबे हैं। वो तो ऐसे ट्राइबल हैं जिनसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ ना कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश करी है जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत पहले एक लेडी जाके उनसे बात करी है ये वो 70-80 में हुआ था या और उनके बाद उनको सिप वगैरह से नारियल वगैरह भी वहाँ पर पानी में देते हैं। मैं भी ओदे बारे पढ़िया सीगा ते 80 च नेशनल जियोग्राफिक दी कोई टीम गई सीगी ते उन्होंने जां उदों दे मतलब जिहड़ियां NGO ने उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की सी उदों उन्होंने पहली बार वो भी औरत सी एक मतलब और ले शायद फीमेल होने करके उन्होंने बख्शता तो वह तो जोड़े सके नारियल पानी वगैरह लैके रख लिया है ना सारा कुछ तो उतों मतलब ज्यौदे वापस मुड़े ये उस तो बाद की होया उस तो बाद 2004 में इधर सुनामी आई है ना। हाँ जी 2004 च सुनामी आई तो इंडियन आर्मी के जोड़े हैलीकॉप्टर से उन्होंने उत्थे जाके देखने की कोशिश की क्योंकि ना वो टाइम च अंडेमान निकोबार पूरा तबाह हो गया पूरा पूरा तबाह है ना पूरा तबाह हो गया सीगा
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਇੱਧਰ ਖੱਡ ਹੈ ਖਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਵਜੋਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਚਿੜੀਆ ਟਾਪੂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜੋ ਡਰਾਈਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ 4:30 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਪਊਗਾ ਨਾਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਵੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਰੁਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਏ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚੀਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀੜੀ ਕੋਈ ਮੱਕੜੀ ਮੁੱਕੜੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰੈਕ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਦੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੱਚੀ ਸੁਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹਮ ਉਧਰ ਕੋ ਟਰਨ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਰੇਨਬੋ ਅੱਛਾ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਲਵਜੋਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੀਚ 'ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਚਿੜੀਆ ਟਾਪੂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਆਹ ਇੱਕ ਲਵਜੋ ਇਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਟਾਪੂ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲਵਜੋਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ
मैं लगता है डेंजरस पार्ट है। इतो देखो पूरी साढ़े अंडेमान निकोबार का सब तो पहला ट्रैक है ये, तो पहले ही इन्ना डेंजरस है तो बहुत ध्यान जाना पै रहा। अगे तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है जितों की असं जावे। इतों की देखियो इतने बिल्कुल थले है, हाँ बिल्कुल नीचे है। ओ माय गॉड सही गल है यार, थोड़ा जहा रास्ता है ना। हुण असीं उह पहाड़ दे बिल्कुल पराने पासे जावांगे ते इत्थों जिहड़ा नॉर्थ सेंटिनल आईलैंड है जिथे ट्राइबल्स रहिंदे ने, इत्थों 50 किलोमीटर की दूरी ते सिर्फ शायद तुसीं इहनूं इत्थों देख भी सकदे हो। जिहड़ा इहनां नूं ना असीं नॉर्थ सेंटिनल दा नाम दित्ता उह आपां दित्ता होया, वैसे तां जिहड़ा मतलब पूरी दुनिया इहनां नूं जाणदी भी नहीं हैगी भी इह किहड़ा ट्राइब हैगा जां इह किन्ना क पुराना हैगा, है ना। वैसे अंदाजे लाए जांदे ने वी अज तों 10 तों 12 10 तों 20 हज़ार साल पहलां जदों अफ्रीका तों ट्राइबल्स सारे मतलब माइग्रेट होए ने उदों इत्थे आईलैंड ते आके वस गए, ते दुनिया दी इक्को इक इहो जिही कम्यूनिटी है जिहदा किसे नाल वी अज तक कंटैक्ट नहीं हो सकिया। सानू तां अजे तक इह वी नहीं पता लग सकिया कि उह लोक भाषा किहड़ी बोलदे ने। उह सामने वाले टापू हुंदे रहिंदे ने, उह शायद उदों परां जां उदों पिछले पासे टापू होण, बट है इत्थे सामने ने। पर हुण गवर्नमेंट वल्लों टोटली बैन है, कोई भी उत्थे नहीं जा सकदा। जिहड़ी जगह ते हुण अज असीं आए हां ना, ते तुसीं इह देख लो, वैसे इत्थे तां थोड़े बहुत लोक आउंदे रहिंदे, चिड़िया टापू वैसे पापूलर है, ते उहदियां यार किन्नियां थावां होणगियां जिहड़ियां अनएक्सप्लोर्ड नेगियां। वैसे 572 जिहड़े आईलैंड हैगे इत्थों दे पूरे अंडेमान ते निकोबार च, उहनां च देख लो किन्ने जिहड़े आईलैंड इहो जिहे होणगे जिहड़े अजे अनएक्सप्लोर्ड ने, जिथे अजे भी ट्राइबल्स जां होर जिंदगियां रहिंदियां होणगियां, है ना। क्योंकि मनुख ज्यों ज्यों मतलब आपां फरोली जांदे आ त्यों त्यों दुनिया निकली जांदी हैगी, ते हुण इह वी नहीं पता भी जिन्ने इह टापू आ होर इहनां ते किन्ने कु ट्राइबल रहिंदे होणगे। जिवें आह सारे इधर टापू आ, ओह टापू आ, ओह टापू आ, जे तुहानूं दिखदा होवे, मैनूं तां अखीं दिख रहा हैगा, ते हुण उहनां ते कोई पता नहीं कोई बंदा कदे गया जां नहीं गया, है ना, जां किवें दे होणगे। जिहड़े जिहड़े बंदिआं ने ट्राइबल एरियाज़ देखणे आ ना, उह अजे 4-5 महीने वेट करो, ते क्योंकि इत्थों दे जिहड़े मतलब ट्राइबल एरिया उह थोड़े डेंजरस आ, इस करके असीं तुहानूं दिखा नहीं सकते। वैसे इनफॉर्मेशन दे सकदे आ भी इत्थे आ रहिंदा, इत्थे आ रहिंदा, जिवें आपां अज दे ब्लॉग च कोशिश कीती आ ना भी इत्थों दे जिहड़े जिहड़े इत्थे रहिंदे आ ट्राइबल्स। अफ्रीका जावांगे उत्थे जिहड़े जिहड़े उत्थों दे ट्राइबल आ थोड़े जिहे ह्यूमन फ्रेंडली आ, ते उह कुछ कहिंदे भी नहीं हैगे, ते उहनां नूं आपां मिल सकदे आ। बहुत सारे मतलब अज भी आदे वासी उवें मांस खांदे हैगे, ते जंगल च रहिंदे आ, शिकार करदे आ, अग भी उवें मचाउंदे उह जिवें आपां पहलां मुढ़ला मनुख जीवन च मचाउंदे हुंदे सीगे ऐं करके लक्कड़ नाल, ते उह सारा कुछ तुहानूं दिखावांगे। बस 4-5 महीनिआं दा इंतजार होर आ। हुण असीं जा रहे हां वापस, ते बहुत डेंजरस रस्ता है जिथों दी मैं लंघण लग्गा, इस करके मैं जिहड़ा ब्लॉग है जां मतलब कैमरा मेरा उह मैं लवजोत नूं देता, मैनूं दोनों हाथ पा के जाना पैणा। तो देखिए देख सकते हो पाजी जा रहे हैं बहुत ही डेंजर प्लेस से, और पाजी संभल के दोनों हाथ का यूज करिए। हाँ ऐसे ही, तो पाजी बहुत संभल के जा रहे हैं। आप लोग भी जब भी आते हो तो अपना आपको परफेक्ट रखिए और डिस्कवरी वगैरह देखा करिए कैसे चलना होता है। पाजी आपने और पाजी ने आपको दिखा दिया कैसे चलना है, वैसा आप चलिएगा कभी भी, ठीक है। तो पहुँच गए पाजी, बताइए कैसा लगा। यार बहुत अच्छा लगा, बहुत डेंजरस बहुत ज़्यादा है भाई, इतनी स्कैरी प्लेसेस पर मत लेके आया करो। अंडेमान घूमना नहीं, अंडेमान में हमको जान नहीं देनी, हमने और भी जगह घूमनी है दुनिया में। मेरा तो आप दिल कंपन आ गया सुनने पे, इतनी गंदगी। तो पाजी यहाँ पर डर गया। तो मेरा तो आज होता है कल का व्लॉग हो ना, वो चेक असि बहुत ही खास जगह ते जा रहे हैं, वो बताना जहाँ से हम ट्राइबल एरिया में से होके जाएंगे। तो सानू पुलिस की गड्डी अगे पिछे लेके लंघूगी, तुम कल के व्लॉग का जरूर इंतजार करो। ते पुलिस की गाड़ी लेके जाएगी ना। हाँ, आगे रहेगा और पीछे, आगे और पीछे दोनों साइड। हाँ, बीच में सारे जितने कनवे के बीच से जो गाड़ी जाने वाले, जिवें फौज की कानवाई नहीं होंगी कट्ठी लंघती होंगी है, तो उवें लंघन देंदे है, वैसे अलाउड नहीं हैगा मतलब उत्थों दी जाना वो एरिया विचों दी लंघना। तो असी कल उधर का प्लैन किया गया, कल वो एरिया देखांगे, तो कार च बैठे बैठे देखने की कोशिश, कार में बैठे बैठे तो देख सकते हैं ना, तो कार च बैठे बैठे उन्होंने ट्राइबल एरियाज नूं देखांगे, जिन्ना कु हो सकिया पॉसीबल होया तुहानूं दिखावांगे। सो कल दे व्लॉग का तुसीं जरूर इंतजार करियो।